उस चुनाव का कोई पल ऐसा नहीं था जिससे आप जुड़े नहीं थे। कोई परिवार ऐसा नहीं था जो चुनाव के नतीजे आने वाले थे उस रात तय करके बैठा था अब तो सोना नहीं है। ये जो भारत में राजनीतिक परिवर्तन के लिए विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय का जो उमंग था, वो उमंग कौन जीते कौन हारे इसके लिए नहीं था, किसकी सत्ता बने किसकी न बने इसके लिए नहीं था। उसके दिल में दर्द था, आग थी, पीड़ा थी कि मैं दुनिया में जहां बैठा हूं मेरा देश कब ऐसा बनेगा। उसके दिल में तो एक ही आवाज थी, भारत माता की जय। उसके मन में एक ही भाव था, भारत माता की जय। और भारत माता की जय का मतलब होता है भारत के जो कोटि कोटि लोग जो आज भी गरीबी से जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनसे परिवार है, जिनको आज बिजली तक मुहैया नहीं है, आज हमें इतने सालों के बाद पीने का शुद्ध पानी न मिले, बिजली मुहैया ना हो, इतना ही नहीं शौचालय तक नहीं है। बहुत बड़े बड़े काम करने के सपने होते हैं, वो सपने उनको मुबारक। मुझे तो छोटे छोटे काम करने हैं, छोटे छोटे लोगों के लिए करने हैं और छोटे लोगों को बड़ा बनाने के लिए करने हैं। युग में बैंकिंग सिस्टम से अलग रह करके अर्थ की आर्थिक व्यवस्था की मुख्य धारा के बाहर रह करके कोई आर्थिक विकास में भागीदार बन सकता है क्या? हर किसी के लिए बैंक अकाउंट इतनी सामान्य बात है। हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और यह सपना देखा गया था गरीब से गरीब व्यक्ति बैंक में जा पाएगा। आपने भी किसी गरीब को बैंक में नहीं देखा होगा, जब हिंदुस्तान में थे कभी देखा था? अब मैंने सपना छेद लिया है कि मैं चाहता हूं गरीब का बैंक में खाता हो। मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाई क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश की आर्थिक विकास यात्रा में गरीब से गरीब का भी हिस्सा जुड़ना चाहिए, वो इस व्यवस्था के साथ परिचित होना चाहिए, वो कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। करीब 75 मिलियन लोग जिनका बैंक अकाउंट नहीं, उन परिवारों की मैं बात करूं, व्यक्ति नहीं परिवार, एक परिवार में 5 लोग गिने तो आप अंदाज कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या हो। मैंने रिजर्व बैंक से कहा मैं ये काम करना है, कर सकते हैं क्या? रिजर्व बैंक ने कहा कि मोदी जी हो तो सकता है,